डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पिछले लेक्चर में अपन ने एलिमेंट्री कैनाल की संरचना पढ़ी थी। पिछले चैप्टर में अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की कंपेरेटिव स्टडी पढ़ेंगे अपन, या कंपेरेटिव एनाटॉमी भी बोल सकते हैं इसको अपन, कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अपन जो एलिमेंट्री कैनाल जो अपन डिफरेंस देख रहे हैं, वो जो डिफरेंस अपन देखेंगे वो स्कोलियोडोन में, फ्रॉग्स में, यूरोमेस्टिक्स में, पिजन में और रैबिट में, यानी इन पांच वर्टिब्रेट्स को लिया अपन ने, जिनका अपन यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे पूरी की पूरी एलिमेंट्री की कैनाल की संरचना का, यानी एनाटॉमी का। तो सबसे पहले लेते हैं अपन माउथ। स्कोलियोडोन के अंदर माउथ है वो वेंट्रल होता है, जैसे फिशेज का अपन ने यहाँ पर डायग्राम दिखा है, तो माउथ क्या होता है, वेंट्रल साइड में होता है, आगे वाले भाग में वेंट्रल साइड के अंदर, सिचुएटेड लिटिल बिहाइंड द एंटीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड होता है उसमें नीचे वेंट्रल साइड के अंदर ये माउथ होता है, किसके अंदर, स्कोलियोडोन में। फ्रॉग के अंदर देखे तो माउथ इज टर्मिनल अपर्चर, यहां पर ये अपने एमवीपी का दिखा रखा है, एकदम टर्मिनल एंड है, यहां पे थोड़ा सा तिरछा बनाया अपन ने, यानी यह वेंट्रल साइड के अंदर है, किसमें, मछली के अंदर, स्कोलियोडोन के अंदर। फ्रॉग के अंदर अपन देखेंगे तो एकदम से एंटीरियर एंड के ऊपर माउथ है वो सिचुएटेड, टर्मिनल यू कह सकते हैं कि माउथ है वो टर्मिनल होता है। यूरोमेस्टिक्स में अपन देखें तो माउथ इज वाइड। अब अपन ने यहां पर जो डायग्राम बना रखा है वो हायर रेप्टाइल्स का भी है और मेमल्स का भी है। ये वाला डायग्राम जो है वो एम्फीबिया का भी है और लोअर रेप्टाइल्स का भी है, तो ये हायर रेप्टाइल्स और मेमल्स का है। तो आप यूरोमेस्टिक्स में यानी रेप्टाइल्स में देखिए माउथ इज वाइड, बहुत बड़ा माउथ होता है, ये माउथ दिखा रखा अपन ने यहां पे माउथ। स्लिट लाइक प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, जो हेड होता है रेप्टाइल्स के अंदर, जो हेड होता है उस हेड के एंटीरियर एंड के ऊपर स्लिट लाइक छिद्र होता है, उसको अपन माउथ का है। पिजन में देखिए माउथ इज टर्मिनल, माउथ एकदम से चोंच के आगे मान लीजिए माउथ होता है, माउथ इज टर्मिनल, और यहां पर भी क्या है वो स्लिट लाइक है, बाउंडेड बाई होर्नी जा, यानी जाज पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर, पिजन के अंदर होर्नी जाज, तो वो माउथ को घेरे रहते हैं। रैबिट में अगर अपन देखे तो माउथ इज सब टर्मिनल, माउथ है वो एकदम से, मतलब जो टर्मिनल यानी एंड का भाग होता है बॉडी का, हेड का जो एंड का भाग होता है उससे थोड़ा नीचे की तरफ होता है, माउथ इज सब टर्मिनल। क्लेफ्ट यानी माउथ के अंदर अगर आप देखें रैबिट के अंदर, तो जो ऊपरी होट होता है वो बीच में से कटा हुआ होता है, तो क्लेफ्ट होता है ये। बाउंडेड बाई मोबाइल फ्लेसी लिप्स, तो यहां पर क्या पाए जाते हैं, लिप्स, और वो भी क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, गतिशील लिप्स पाए जाते हैं। अगर इनमें फिशेज में और अपन इसमें एम्फीबिया में इनमें अगर देखें तो यहां पर क्या है, लिप्स जो है वो मोबाइल नहीं होते, गतिशील नहीं होते। नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं अगर बकल कैविटी का, तो बकल कैविटी देखिए स्कोलियोडोन में, बकल कैविटी शेलो लूजली ऑर्गेनाइज, देखिए माउथ किस में खुलता है, बकल कैविटी में, तो ये बिल्कुल से शेलो एकदम छिछली होती है, लूजली ऑर्गेनाइज होती है, एकदम से ढीली डाली होती है। रूफ ऑफ द डर्मल बोन यूजुअली बियरिंग टीथ, अब ये जो अपने यहां पर बकल कैविटी दिखा रखी है, इसकी जो रूफ है, इसकी जो छत है, उसके ऊपर क्या होता है, डर्मल टीथ पाए जाते हैं इसके ऊपर, तो ये किसका है, स्कोलियोडोन का बकल कैविटी। अब अगर फ्रॉग की देखें तो फ्रॉग के अंदर क्या है, काफी बड़ी है और कंपैक्ट पाई जाती है और मस्कुलर होती है, रेप्टाइल्स में भी काफी मस्कुलर होती है और कंपैक्ट होती है। पिजन के अंदर चोंच से घिरी भी होती है, थोड़ी छोटी होती है,
और रैबिट के अंदर एक अपन देखें तो वो बहुत बड़ी होती है, माउथ है जो बकल कैविटी है वो काफी बड़ी होती है और स्पेशियस होती है, यू कह सकते हैं कि वो स्पेशियस होती है। इसके अलावा यहां पर रैबिट में वेस्टिब्यूल पाया जाता है, वेस्टिब्यूल का मतलब है टीथ और लिप्स के बीच का जो स्पेस होता है और जो चारों ओर से चिक्स के द्वारा यानी गाल के द्वारा वो घेरा रहता है। तो इस प्रकार का जो माउथ होता है वो चविंग में और सकिंग में काम आता है। तो चूसने की प्रक्रिया होती है जिसमें वेस्टिब्यूल है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये वेस्टिब्यूल है वो केवल है वो मेमल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट आता है स्कोलियोडोन फ्रॉग यूरोमेस्टिक स्पीशीज और रैबिट का अपन डिफरेंस कर रहे हैं। तो थर्ड अपन कैरेक्टर लेते हैं टीथ। तो टीथ क्या होते हैं, स्कोलियोडोन में टीथ आर लार्ज इनवार्डली कर्व्ड, टीथ है वो काफी बड़े होते हैं, स्कोलियोडोन के अंदर काफी बड़े टीथ होते हैं और इनवार्डली डायरेक्टेड होते हैं, अंदर की तरफ है वो इनका डायरेक्शन होता है, ठीक है। पॉलीफाइडोन, पॉलीफाइडोन का मतलब है वो बार बार आते हैं, अगर टूट भी जाते हैं गिर जाते हैं तो वो फिर आ जाते हैं। होमोडोंट भी है यहाँ पे, एक समान दांत होते हैं और एक्रोडोंट होते हैं यानी मसूड़े के और किनारे पर लगे रहते हैं। फ्रॉग्स में अपन देखें तो टीथ आर माइन्यूट, फ्रॉग्स में टीथ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, डाउनवर्डली डायरेक्टेड नीचे की तरफ है वो इनकी डायरेक्शन होती है। और यूरोमेस्टिक्स में देखें तो ऑन बोथ जॉज टीथ आर प्रेजेंट, यहाँ पर दोनों जबड़ों के अंदर टीथ पाए जाते हैं, किसमें यूरोमेस्टिक्स में, पॉलीफाइडेंट होते हैं यानी बार बार गिर जाते हैं तो भी बार बार आते रहते हैं, होमोडोंट होते हैं सारे दांत एक ही प्रकार के होते हैं, और प्लूरोडोंट यानी वो किनारे पे लगे रहते हैं, जैसे अपने पहले भी बताया था कि जंतु के अंदर जैसे ये मसूड़ा होता है ना गम्स, और गम्स के एकदम से किनारे पे लगा रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं प्लूरोडोंट। सिंगल रो होती है, दांतों की जो रो होती है वो क्या होती है यहाँ पे सिंगल होती है। इसी तरीके से पिजन में देखिए जा आर मॉडिफाइड इनटू टूथलेस बीक, यानी पिजन के अंदर क्या है यहां पर बीक पाई जाती है जिसके अंदर दांत नहीं होते हैं। रैबिट में देखिए सिंगल रो पाई जाती है, दांतों की रो है वो एकदम सिंगल होती है, पॉलीफाइडोंट होती है यानी सॉरी पॉलीफाइडोंट नहीं होती है यहां पर डाइफाइडोंट होती है, डाइफाइडोंट दो ही बार आते हैं गिरने के बाद में, दो ही बार आते हैं जैसे एक बार मिल्क टीथ बोलते हैं दूसरा परमानेंट टीथ बोलते हैं। हिट्रोडोंट होते हैं, कई प्रकार के होते हैं दांत, केनाइंस होते हैं ठीक है, और इसके अलावा इंसाइजर होते हैं, मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं, तो रैबिट में यहाँ पर केनाइन सबसेट होते हैं। थिकोडोंट होते हैं यानी मसूडे के अंदर है वो एकदम से धसे रहते हैं, इस तरीके से मसूडे के अंदर पाए जाते हैं, थिकोडोंट होते हैं, टाइप्स अपन ने इसकी बताई दी। इसके बाद हमें आता है टंग, जीभ, तो जीभ क्या होती है स्कोलियोडोन के अंदर स्मॉल होती है, बहुत छोटी सी होती है, नॉन मस्कुलर है, मसल्स बहुत कम पाई जाती है इसमें, नॉन रिट्रेक्टाइल है यानी बाहर नहीं निकाली जा सकती, जबकि फ्रॉग के अंदर क्या होती है रिट्रेक्टाइल होती है, नॉन ग्रेंडुलर और पोस्टीरियर एंड अटैच्ड फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, यानी आधा पोर्शन तो जीभ का जो है वो बकल कैविटी की जो फ्लोर होती है उसके ऊपर अटैच होता है, यद्यपि आगे वाला एंड होता है वो एकदम से फ्री होता है। अगर अपन फ्रॉग में देखें तो यहाँ पर काफी बड़ी जीभ होती है, हाईली मस्कुलर होती है, रिट्रेक्टाइल होती है, क्योंकि वो पीछे से जीभ है वो पीछे से तो फ्लोर में यानी बकल कैविटी की जो छत जो फ्लोर होती है उसके ऊपर चिपकी रहती है, और आगे वाला एंड होता है वो तो चिपका रहता है, पीछे वाला एंड क्या होता है फ्री होता है, तो वो उसको बाहर निकाल सकता है और इंसेक्ट को पकड़ सकता है, तो इसको बोलते हैं रिट्रेक्टाइल होती है इसके अंदर। यूरोमेस्टिक्स में देखिए टंग इज अटैच पोस्टीरियरली टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, यहां पर भी क्या स्कोलियोडोन के समान ही होती है किसके अंदर यूरोमेस्टिक्स में, और उसके ऊपर सेंसरी पेपिली पाई जाती है। पिजन में अपन देखें तो टंग इज नेरो, बहुत छोटी होती है, ट्राइंगुलर होती है, मांसल होती है, वो फ्लेशी होती है एकदम से, और हॉर्नी प्रोजेक्शन उसके ऊपर क्या है हॉर्नी प्रोजेक्शन जीभ के ऊपर निकले रहते हैं, और उनके प्रोजेक्शंस के ऊपर क्या पाई जाती है टेस्ट बर्ड पाई जाती है, और यहाँ पर उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है। रैबिट में अगर अपन देखें तो दांतों की सिंगल रो पाई जाती है जबड़े एक जबड़े के ऊपर, डाइफाइडेंट अपन ने बताया इसको,
सॉरी अपन टंग कर रहे हैं तो रैबिट के अंदर टंग देखिए हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, काफी मॉडिफाइड होती है, मस्कुलर होती है, मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अपन उसको घुमा सकते हैं, तो मेस्टिकेशन में वो भोजन के काम आती है। और प्रोट्रूडेड आउट, यानी प्रोट्रूडेड आउट का मतलब होता है जीभ को मुंह से बाहर निकाल सकते हैं और जीभ के ऊपर एक खूब सारी टेस्ट बर्ड पाई जाती है। तो इस प्रकार अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक है फेरिक्स का, अपन टॉपिक लेते हैं। तो फेरिक्स में क्या होगा कि सभी एनिमल्स के अंदर है वो फेरिक्स पाई जाती है, बट अपन सभी को पता है कि फिशेज के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित जो है फेरिक्स मिलेगी किसमें, स्कोलियोडोन में। तो फेरिक्स स्कोलियोडोन में अगर देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिक्स इज रफ। यहाँ पर देखिए काफी बड़ी फेरिक्स दिखा रखी है अपन ने, माउथ के बाद में ये सीधा किसमें खुलता है, फेरिक्स के अंदर। नेजल चैम्बर जो यहाँ पर है वो सीधा फेरिक्स के अंदर नहीं खुलता है, लेकिन इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, रफ होती है। फ्रॉग के अंदर देखें तो फेरिक्स है वो स्मूथ होती है, एकदम से चिकनी होती है, पूरी कंप्लीट होती है। यूरोमेस्टिक्स में देखें तो एट द रूफ ऑफ द फेरिक्स ओपन यूस्टेकियन ट्यूब। यहां पे अपन अगर यूरोमेस्टिक्स में देखें, रेप्टाइल में देखें अपन, तो क्या होगा कि एट द रूफ ऑफ द फेरिक्स ओपन यूस्टेकियन ट्यूब्स जो आकर के यहां पर खुलती है, किसमें, फेरिक्स के वाले पोर्शन में। फेरिक्स इज मार्क्ड ऑफ, यानी जो रेप्टाइल है, पिजन है, रेप्टाइल है, एविज है और मेमल है, इनके अंदर जो फेरिक्स है वो सीमित होती है, ठीक है। पिजन में अगर देखें तो फेरिक्स रिसीव इंटरनल नोस्ट्रिल थ्रू विच नेजल चेंबर ओपन। अगर अपन बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स के अंदर जो नेजल चेंबर होता है वो सीधा किसमें खुलता है, फेरिक्स के अंदर खुलता है। फेरिक्स रिसीव इंटरनल नोस्ट्रिल थ्रू विच नेजल चेंबर या नेजल पैसेज ओपन, यानी ये जो नेजल पैसेज है वो सीधा जाकर के किसमें खुलता है, फेरिक्स में खुलता है। और फेरिक्स लास्ट के बाद में किसमें खुलती है, इसोफेगस में। रैबिट में भी सेम थिंग होता है, फेरिक्स लास्ट में होती है और वो और इसोफेगस में खुलती है। ग्लोटिस प्रेजेंट, ग्लोटिस का मतलब है कि जब ये माउथ वाला पोर्शन अपन ने दिखा रखा है, ये नोस्ट्रिल वाला श्वसन वाला दिखा रखा है, तो ये क्या है कि यहां से भोजन किसमें जाएगा, इसोफेगस में, यहां से इसोफेगस में जाएगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। देखो यही पर क्या श्वसन, यहां पर क्या ट्रेकिया है, ये अपने यहां पर ट्रेकिया दिखा रखी है, और ट्रेकिया के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। तब जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तब ये वाला खुल जाता है, तो इसमें भोजन है, जो श्वास है, भोजन है के समय जब भोजन ग्रहण करते हैं तो इसके ऊपर क्या, ये ग्लोटिस है, इसको ढक लेता है ताकि भोजन है वो ट्रेकिया में नहीं जा पाए। तो ये जो ग्लोटिस है वो केवल शार्क या स्कोलियोडोन में नहीं होता है, बाकी सभी के अंदर है वो क्या पाया जाता है, ग्लोटिस पाया जाता है। फिर लेते हैं अपन नेजल चेंबर का कैरेक्टर। ये नेजल चेंबर है, ये नेजल चेंबर है या नेजल शैक है, और ये नेजल शेक मान लीजिए, उसका ये पैसेज मान लीजिए। यहां देखिए नेजल शेक इंडिपेंडेंट है, यानी मछलियों के अंदर, स्कोलियोडोन के अंदर देखिए ये नेजल चेंबर है, नेजल पैसेज है। नेजल पैसेज जो है बाहर से अपने पहले ही बताया था कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के द्वारा बाहर खुलता है और अंदर फेरिक्स में जाकर किसके द्वारा खुलता है, इंटरनल नोस्ट्रिल्स के द्वारा, बाह्य नासा छिद्र और अंतर्नासा छिद्र। स्कोलियोडोन में देखिए बाह्य नासा छिद्र किसमें खुल रहे, नेजल सेक में, और नेजल सेक सीधा फेरिक्स में नहीं खुलता है, तो ये फेरिक्स से बिल्कुल से इंडिपेंडेंट होता है। फ्रॉग में देखो नोस्ट्रिल ओपन इन बकल कैविटी, हार्ड प्लेट इज प्रेजेंट। ये सीधा जो बाह्य नासा छिद्र है वो किसमें खुलते हैं, बकल कैविटी में, और उस बकल कैविटी के ऊपर क्या होता है, हार्ड प्लेट पाया जाता है, तलवा पाया जाता है। सेम थिंग किसमें होता है, रेप्टाइल्स में। बर्ड्स में देखिए पैलेट फोल्ड्स सॉफ्ट मेम्ब्रेनस, यानी यहां पर बर्ड्स में क्या होगा, एक सॉफ्ट मेम्ब्रेनस पैलेट पाया जाता है, और इसके अलावा कई है वो पैलेटेबल फोल्ड्स पाए जाते हैं, किसमें, पिजन में। रैबिट में देखें तो नेजल चेंबर सेपरेटेड फ्रॉम बकल कैविटी। यहां देखिए ये नेजल चेंबर है, ये बाह्य नासा छिद्र दिखा रखे अपन ने, बाह्य एक्सटर्नल नेस, ये माउथ दिखा रखा अपन ने, माउथ। तो यहां से जब ये नेजल चेंबर सेपरेट फ्रॉम बकल कैविटी, ये नेजल चेंबर है वो बकल कैविटी से सेपरेट है,
क्योंकि ये तो बकल कैविटी है और ये क्या नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर मान लीजिए आप, तो ये दोनों सेपरेटेड है किसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंडरी पैलेट और पाया जाता है। मेमर्स में क्या है सेकेंडरी पैलेट तलवा जिसको अपन बोलते हैं वो पाया जाता है, जिससे क्या दोनों है वो सेपरेट रहते हैं। नेजल चैम्बर सेपरेटेड फ्रॉम बकल कैविटी बाय सेकेंडरी पैलेट, ये सेकेंडरी पैलेट दिखा रखा अपन ने। ये यहाँ पर जीवा है, जीवा देखिए, ये माउथ, ये बकल कैविटी, ये यहाँ पर इसकी टंग दिखा रखी है अपन ने, और इस टंग के ऊपर अपन ने यहाँ पर क्या दिखा रखा है सेकेंडरी पैलेट, तो ये सेकेंडरी पैलेट पर आता है। इंटरनल नोस्टल ओपन नियर टू ग्लोटिस, तो ये तो पाइए नासा चित्र हो गए मेमन में। अब यहां से ये रेस्पिरेटरी पैसेज है, यहां आ जाएगा इंटरनल नोस्टल ओपन नियर टू ग्लोटिस, देखो यहां आकर के ये खुलते हैं नोस्टल, जो इंटरनल नासा छिद्र लगभग कहां से ग्लोटिस के पास में होता है, तो दोनों मार्ग जो है रेस्पिरेटरी मार्ग और फूड का मार्ग दोनों है वो एकदम से सेपरेट रहते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट है अपना इसोफेगस, इसोफेगस को कंपेयर करके देखेंगे अपन। तो यहां पर अपन ने ये एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम बना रखे है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला डायग्राम है वो स्कोलियोडोन का है, ये फ्रोक का है, और ये बाद में यूरोमेस्ट्रिक्स का, ये पीजन का है, और ये रेबिट का है। यहां देखिए इसोफेगस दिखाई दे रही है दोनों के अंदर, स्कोलियोडोन और फ्रोक के अंदर, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं अपन। तो इसोफेगस है यहाँ पर, कार्डियक स्टोमक है, यहाँ पर कार्डियक स्टोमक भी है और पाइलोरिक स्टोमक भी है। यहां पर भी अपने नाम नहीं लिखा लेकिन ये भी कार्डियक और पाइलोरिक स्टोमक में डिवाइडेड होता है। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है यहाँ, इसमें एक स्पाइरल वाल्व पाया जाता है, और इसके बाद में ये रेक्टल ग्लैंड दिखा रखी है, रेक्टम, क्लोएका और क्लोएकल अपर्चर। यहाँ पर स्टोमक के बाद में अपने ड्यूडेनम दिखा रखी है, यहाँ पर भी छोटी सी, ये ड्यूडेनम नहीं होती है, यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइन है वो डिवाइडेड नहीं होती है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, इसमें इलियम दिखा रखी है और रेक्टल ग्लैंड दिखा रखी है और यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका और ये क्लोएकल अपर्चर दिखा रखा है। फिर अपन यूरोमेस्टिक्स में देखें तो ये इसोफेगस स्टमक का पार्ट दिखा रखा है, ये कोलन, इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम, क्लोएका और क्लोएकल अपर्चर। इसी तरीके से पिजन में यहाँ पर अपने इसोफेगस दिखा रखे है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अतिवर्ती दिखा रखी है क्रोप, ठीक है। फिर ये प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड स्टमक के दो भाग दिखा रखे हैं अपने यहाँ पे, उसके बाद में ड्यूडिनम है और वो इंटेस्टाइन, उसके बाद में हाइंडगट का पार्ट जो रेक्टम कोलम है और क्लोएका है। मेमेलिया में रिपीट में अपन देखें तो वही इसोफेगस है, उसके बाद में स्टमक है, तीन में डिवाइडेड है कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक में, उसके बाद में यहाँ पर भी इंटेस्टाइन है वो ड्यूडिनम, और उसके बाद में जो जेजुनम में और इलियम में कन्वर्ट होती है, बाद में कोलन, रेक्टम और उसके बाद में यहाँ पर एनस पाया जाता है। तो अपन कंपेरिजन अगर करके देखें तो स्कोलियोडोन में क्या है, जो इसोफेगस है बहुत ही छोटी सी होती है, स्मॉल, केवल भोजन का पैसेज है, ये भोजन का मार्ग है, ये बकल कैविटी से लेकर के स्टमक में जाने का मार्ग होता है इसोफेगस। यहाँ पर फ्रॉग में भी छोटी सी होती है। यूरोमेस्टिक्स में देखो तो एक स्ट्रेट थोड़ी बड़ी होती है, कंपेरेटिवली स्ट्रेट ट्यूब हो, और इसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। पिजन के अंदर भी देखो तो एक छोटी सी ट्यूब है, और लेकिन यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड अब्सेंट होते हैं पिजन के अंदर। और दूसरा चीज ये है कि पिजन के अंदर क्रोप पाया जाता है, ये देखिए आप पिजन की जो इसोफेगस है, ये अपने इसोफेगस दिखा रखी है, इस इसोफेगस में एक अतिवर्ती होती है क्रोप, गिजड़ बोलते हैं, क्रोप बोलते हैं उसको, और वो ग्रेन ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं जो अनाज के दाने खाते हैं उनके अंदर ये पर्टिकुलर क्रोप पाई जाती है। तो यहाँ पर जो दाने पाए जाते हैं, जो अनाज के दाने होते हैं उनको तोड़ने का काम करती है ये क्रोप, और उसके बाद में आता है रेबिट। तो रेबिट में लॉन्ग होती है, बड़ी होती है इसोफेगस, थिन वॉल्ड होती है, बहुत पतली होती है लेकिन हाईली मस्कुलर होती है, म्यूकस ग्लैंड यहां पर भी प्रेजेंट होता है। तो ये अपना कंपेरिजन रहा किसका, इसोफेगस का। उसके बाद में अगर स्टोमक देखे तो यहां पर जे शेप्ड है, और कार्डियक और पाइलोरिक में डिवाइडेड है, किसमें, स्कोलियोडोन में। ये देखिए कार्डियक भी पाया जाता है और इसमें पाइलोरिक स्टोमक भी, ये यहां से कार्डियक स्टोमक है, ये कार्डियक स्टोमक दिखाया और इसोफेगस तो छोटा सा दिखाया आपने यहां तक मान लीजिए, उसके बाद में स्टोमक है, तो ये स्टोमक का कार्डियक पार्ट आ गया और ये पाइलोरिक, दो में डिवाइडेड है। फ्रॉग के अंदर भी क्या होता है, स्टोमक है वो दो में डिवाइडेड होता है, कार्डियक और पाइलोरिक के अंदर, लेकिन यहां पर
स्कोलियोडोन में जे शेप चोट होता है और यहाँ पर काउड होता है, मुड़ा हुआ होता है। यूरोमेस्टिक्स में देखो तो सैक लाइक थेलेनुमा, थेलेनुमा पाया जाता है स्टमक एकदम से, और कार्डियक पाइलोरिक दोनों में डिवाइडेड होता है। तो कहने का मतलब है यहां तक तीनों में कार्डियक और पाइलोरिक भाग पाए जाते हैं स्टमक के अंदर। लेकिन यूरोमेस्टिक्स में देखें तो पाइलोरिक वाल पाया जाता है, पाइलोरिक के बाद में एक वाल और पाया जाता है, तो पाइलोरिक वाल पाया जाता है। अब अपन अगर पिजन की बात करें तो पिजन का जो स्टोमक है वो दो में डिवाइडेड होता है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड। देखिए ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, प्रोवेंट्रिकुलस, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, गिजर्ड। दो में होते हैं लेकिन यहाँ पाइलोरिक वाल जो है वो अब्सेंट होते हैं। रिपीट में अपन जाते हैं कि कार्डियक पाइलोरिक फंडिक है वो तीन पार्ट होते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, ड्यूडेनम से पहले क्या होता है, पाइलोरिक वाल्व होता है। तो इस प्रकार से ये इसका कंपेरिजन। इंटेस्टाइन को अगर अपन देखें, आंत के अगर कंपेरिजन करें, शॉर्ट होती है यहाँ पे, बाकी सभी के अंदर लंबी होती है। नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू ड्यूडेनम एंड इलियम, केवल और केवल स्कोलियोडोन ऐसा है जिसमें जिसमें इंटेस्टाइन है वो ड्यूडेनम में और इलियम में डिवाइडेड नहीं होती है, डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। बाकी सभी के अंदर ये ड्यूडेनम और इलियम में डिवाइड होती है। जो पहला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ड्यूडेनम, और उसके बाद में जिसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं वो क्या होती है, इलियम। यहां पर भी देखिए ड्यूडेनम इलियम यहां पर सेम है, किसमें, जो स्कोलियोडोन में वैसे की वैसे इंटेस्टाइन किसमें पाई जाती है, फ्रॉग में। बस ये कि यहां पर छोटी होती है और यहां पर बड़ी होती है। सेम करेक्टर यूरोमेस्टिक्स का है, लंबी होती है, ड्यूडेनम और इलियम में डिवाइडेड होती है। और जो पिजन होता है उसमें ड्यूडेनम इलियम तो है ही है, वेरी लॉन्ग कॉइल्ड। अब यहां पर जो इंटेस्टाइन है वो बड़ी, काफी बड़ी होती है, क्योंकि ये हर्बीवोरस है, क्योंकि जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे उनमें वो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है। रैबिट में देखिए ऐसा ही होता है, पर ड्यूडेनम है, इलियम है, बहुत लंबी है, कॉइल्ड है, सेम, बट बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ऑपरेट टू ड्यूडेनम। यहां पर क्या होता है, इस ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियास से आने वाली ग्लैंड और लीवर के पास में जो बाइल है, गॉल ब्लैडर है, उससे निकलने वाली बाइल डक्ट है, वो दोनों आकर के किस में खुलती है, ड्यूडेनम में, जो कि पाचन में सहायक होती है। तो इस प्रकार से ये तीन का डिफरेंसेस है, इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं कंपैरिजन के लिए, अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड स्कोलियोडोन में ओपन इनटू रेक्टम। अब देखिए यहां पे अपन ने ये रेक्टल ग्लैंड दिखाई है, रेक्टम के पास में रेक्टल ग्लैंड पाई जाती है, इसमें स्कोलियोडोन के अंदर, फ्रॉग के अंदर रेक्टल ग्लैंड अब्सेंट होती है, और यूरोमेस्टिक्स में सिंगल रेक्टल सिक्कम होती है। यानी यूरोमेस्टिक्स में अगर आप यहां देखो तो यहां जो रेक्टम वाला जो पोर्शन होता है, यहां पर एक सिंगल क्या पाई जाती है, सिंगल रेक्टल सिक्कम, एक सिक्का निकली हुई होती है छोटी सी, उसी को अपन रेक्टल ग्लैंड बोलते हैं। पिजन में एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कॉलम रेक्टी सिक्का प्रेजेंट। यहां पर भी पिजन के अंदर देखिए ये पेड सिक्का दिखा रखी है अपन ने, ठीक है। तो यहां पर क्या, एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कॉलम रेक्टी सिक्का प्रेजेंट, यहां पर रेक्टी सिक्का, यहाँ अपन इसको रेक्टिसिका बोल रहे हैं और स्कोलियोडोन में रेक्टल ग्लैंड बोल रहे हैं, एक ही बात है। उसके बाद में रैबिट में देखिए इलियोसिकल वाल प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलम, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का दो पार्ट है, कोलन और लास्ट वाला रेक्टम। तो यहां पर क्या है, इलियोसिकल वाल पाया जाता है, किसके अंदर, यहाँ पे इलियोसिकल वाल पाया जाता है रैबिट के अंदर, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन के बीच में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आर प्रेजेंट, यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग है वो भी पाया जाता है केवल रैबिट के अंदर। इसके बाद में आता है रेक्टम ओपन इनटू क्लोइका। अब एलिमेंट्री केनाल का लास्ट जो पोर्शन अपन जानते हैं कि एनस होता है, लेकिन ये एनस केवल आपको मेमेलिया के अंदर मिलेगा, मेमेलिया के अलावा सभी के अंदर, चारों के अंदर क्या है, क्लोइका प्रेजेंट होता है, और वो क्लोइका ही बाहर एक अपर्चर के द्वारा, देखिए अपने यहाँ पे दिखा रखा है क्लोइकल अपर्चर, ये क्लोइकल अपर्चर है, ये भी क्लोइकल अपर्चर है और ये भी क्लोइकल अपर्चर है।
तो ये क्लोइकल अपर्चर इन चारों में पाया जाता है, और रेबिट में क्या पाया जाता है, एनस। तो यहां पर देखिए क्लोइक एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट दिखा रखा आपने। तो रेक्टम ओपन इनटू क्लोइका, रेक्टम कोलन के बाद में क्या था, रेक्टम। तो रेक्टम किस में खुलता है, क्लोइका में, सेम फ्रोग, फ्रोग में भी सेम है। यूरोमेस्टिक्स में देखिए क्लोइका इज कॉमन ओपनिंग। अब जो बाहर क्लोइका होता है यूरोमेस्टिक्स में, उसी में तो आकर के डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो एंड है वो क्लोइका में खुलता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन इनटू क्लोइका, यहां पर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यूरिन वाली और जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों मिलकर के पहले क्या बनाती है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, और वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट आकर किसमें खुलती है, क्लोइका में। यानी डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो भी आके इसमें खुलती है, यूरिन वाली भी खुलती है और जेनाइटल वाली भी, तीनों खुलती है। और ये सेम का सेम पोजिशन किसमें होता है, पिजन के अंदर, अपने यहां पर सेम लिख रखा है, तो ये ऐसा सेम होता है। इसके अलावा यहाँ बर्सा फैब्रिक, देखिए पिजन के अंदर ये बर्सा नाम की एक ग्लैंड है और पाई जाती है, जो कि पिजन के अंदर होती है। और रैबिट में अपन देखें तो ये एनस प्रेजेंट होता है और क्लोइका एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा कंपेरिजन किसका हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का, पांचों क्लासेज के अंदर। अब लेते हैं अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर में, सॉरी स्कोलियोडोन में लीवर है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, और रेक्टल ग्लैंड भी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये चार जो पाई जाती है किसमें, स्कोलियोडोन में। फ्रॉग में अगर आप देखें तो लीवर, पेंक्रियाज और स्प्लीन, लेकिन यहां पर रेक्टल ग्लैंड नहीं है, किसमें, फ्रॉग में। फ्रॉग के अंदर आपने कोई रेक्टल ग्लैंड यहां पर नहीं दिखाई है। उसके बाद में यूरोमेस्टिक्स में आए, रेप्टिलिया में आए, तो लीवर है लेकिन वो बाइलोब्ड है, यहां पर सिंगल है, सिंगल है, यहां पर बाइलोब्ड लीवर है, दो लोब पाए जाते हैं। लेकिन यहां गाल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, जो बाइल सीक्रेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, वो किस पे होता है, राइट लोब के ऊपर सिचुएटेड होता है। पेंक्रियाज है यहां पे, अब यहां से शुरू क्या हो गया, पेंक्रियाज भी शुरू हो गया। लेकिन ये पेंक्रियाज है कहां पर, इसकी पोजिशन क्या है, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में, यहां पे, यहां इसमें अपन किसमें करें, पी इसमें यूरोमेस्टिक्स में। तो यहां पर देखिए, यहां पे इसके बीच में, यहां पे ये स्टोमक है और ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, तो यहां पर क्या पाया जाता है, पेंक्रियास। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती है और इंटेस्टिनल ग्लैंड भी होती है यहां पे। पिजन की अपन बात करें तो पिजन में भी लीवर है, वो भी बाइलोब्ड है, यहां गाल ब्लैडर एब्सेंट है, पिजन में गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। पेंक्रियास प्रेजेंट, लेकिन यहां पर पेंक्रियास कहां है, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम यू शेप होती है, उसके बीच में रहता है कौन, पेंक्रियाज। यहां पर पेंक्रियाज क्या बताया, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, और यहां पर ड्यूडेनम में, ठीक है। बाकी जो ये पेंक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये भी पिजन में पाई जाती है। अपन अगर रैबिट की बात करें तो रैबिट में लीवर बहुत बड़ा होता है और वो भी पांच लोब का बना होता है, फाइव लोब्ड होता है। गाल ब्लैडर यहां पर प्रेजेंट होता है, पेंक्रियाज यहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पर, यू शेप है, ड्यूडेनम के बीच में क्या पाया जाता है, पेंक्रियाज। और यहां पर अपने सेम लिख रखा है, सेम का मतलब ये, पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से इसमें, इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने सारा का सारा ये कंपेरिजन किया है। अब इसका रिटर्न मेटेरियल जितना भी है उसका पीडीएफ बना रखा है मैंने, और वो पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को अगर खोलोगे तो आपको पूरा का पूरा इसका वर्णन है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको पहले वीडियो को देख लीजिए पूरा, और उसके बाद में अगर आपको रिटर्न मटेरियल चाहिए तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दिया मैंने, उस पीडीएफ का लिंक है, उसको आप खोलोगे तो पूरा का पूरा पीडीएफ खुल जाएगा, वहां से आप उसका नोट्स भी तैयार कर सकते हो, पूरा नोट्स ही है वो, लेकिन उसको आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स।